नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड गुरु बिट्टू। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ YT स्टूडियो के अंदर जो थंबनेल चेंज करते हैं वहाँ क्या होता है। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हो जाता है, दिखाते हैं आपके सामने। जब थंबनेल चेंज करते हैं तो कस्टम थंबनेल के ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से लिखता है, वेरीफाई करने के लिए बोलता है। तो इसको सेटअप कैसे करना है दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा ही। जब ओपन करेंगे तो जब थंबनेल चेंज करेंगे तो उसके ऊपर वीडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या होता है, यहाँ जो पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे पेंसिल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। यहाँ से टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, नीचे टेक्स्ट डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ ऐड टू प्ले लिस्ट पर अगर बनाए होंगे तो प्ले लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमको क्या करना है कि थंबनेल चेंज करना है। थंबनेल चेंज करने के लिए ये पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो हम एडिट करके रखे हैं थंबनेल, वहाँ कस्टम थंबनेल पे क्लिक करके चेंज होता है। तो दोस्तों, क्या है, यहाँ हाईलाइट नहीं हो रहा है कस्टम थंबनेल। तो कस्टम थंबनेल हाईलाइट नहीं हो रहा है तो इसको हाईलाइट लाइट कैसे करना है। तो दोस्तों, कस्टम थंबनेल पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करना है लर्न मोर पे। जैसे ही दोस्तों लर्न मोर पे क्लिक करेंगे, कुछ वेट करने के बाद कुछ आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। इस प्रकार से इंटरफेस आएगा तो यहाँ देख सकते हैं ब्लू कलर में लिखा है अकाउंट इज वेरीफाइड। अकाउंट इज वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे। जैसे ये अकाउंट इज वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ दिख रहा है अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेप 1, स्टेप 2 मतलब स्टेप 1 करना है। तो यहाँ सिलेक्ट कंट्री, यहाँ पहले कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा कंट्री इंडिया है तो इंडिया ही रहने देता हूँ, आप जिस कंट्री से होंगे वो कंट्री सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वहाँ ये ऑप्शन आने के बाद नीचे दे रहा है, मतलब आप जो मैसेज ये करना चाहते हैं वेरीफाई, वो मैसेज आए या कॉल, तो यहाँ टेक्स्ट मी द वेरिफिकेशन कोड, इस पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ फ़ोन नंबर आपको डालना है तो यहाँ हम फ़ोन नंबर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ फाइनली नंबर डाल देंगे। नंबर डाल के जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे वो आपके फ़ोन नंबर पे एक वेरीफाई कोड जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो वेरीफाई कोड को डाल। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से यहाँ वेरीफिकेशन कोड डाल देंगे। वेरीफिकेशन कोड डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से वेरीफाई कॉन्ग्रेचुलेशन योर यूट्यूब अकाउंट इज वेरीफाइड, यहाँ हो गया। उसके बाद बैक आ जाएंगे। तो जैसे ही दोस्तों हम बाहर आके फिर से YT स्टूडियो को ओपन करेंगे, YT स्टूडियो को ओपन करके यहाँ देखेंगे कि यह हाईलाइट हो चुका है। कस्टम थंबनेल अब अपने गैलरी से लगा सकते हैं। हाँ दोस्तों, कोई भी थंबनेल आप जो एडिट करके रखे हो वो अपने गैलरी से लगा सकते हो। तो फिलहाल मैं ये इसको मैं एडिट करके रखा हूँ, इसको लगाने का है। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये मैं जो थंबनेल एडिट करके रखा हूँ इसको लगा लेता हूँ। तो इसके बाद सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जो आपको डिस्क्रिप्शन डालना होगा तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, और टेक्स्ट डालना होगा तो डाल सकते हैं। उसके बाद ये अनलिस्टेड पे हम वीडियो रखें, इसको पब्लिक कर लेते हैं। पब्लिक करके उसके बाद हम सेव कर लेते हैं तो ऐटोमेटिक ये सेव हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद से ये थंबनेल आपको जो भी यूट्यूब पर देखेगा यही थंबनेल नज़र आएगा। तो आज का मेरा वीडियो ये कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।